होता है, एंजॉय होता है, थोड़ा सा परेशान है इस वक्त कश्मीर के लोग, तो ऐसे कुछ नहीं होता, फिर भी थोड़ा सा टाइम पास होता है। तो क्या बिल्कुल ठीक है, मेरे ख्याल से होनी चाहिए, सिनेमा खुलनी चाहिए। किसके साथ? मैं अकेला हूँ, इससे पहले भी बिल्कुल आते हैं आप, फिल्म होते हैं वो सारे बकवास होते हैं। अच्छा, असल में क्या होता है, असल में जो जहन होता है ना वो थोड़ा सा फ्रेश होता है, टाइम पास होता है, और अपनी कश्मीर में सिनेमा खुल रहा है, यही हमारे लिए बड़ी बात है। फिल्म मायने नहीं रखती ना, फिल्म आती है जाती है, उतर भी जाती है, मगर मेरे दोस्त ये होता है फ्रेश, हमारी खुशी है इस बात की कश्मीर में सिनेमा हो, बस बिल्कुल मैं आता, ये मेरा अपना रोग जैसे होता है किसी का रोग बीमारी, वो सिनेमा की बीमारी है शुरू से मुझे। कौन सी मूवी देखने आया? लगभग एक साल मुकम्मल होने को है। श्रीनगर के एक सिनेमा में हम मौजूद हैं जिसका नाम आइनॉक्स सिनेमा है, जो श्रीनगर के शिवपुरा में मौजूद है। सितंबर लास्ट ईयर सितंबर में इसको जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इनॉग्रेट किया था, लेकिन आज की हम बात करेंगे, आज यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ देखने को मिलती है। आज फ्राइडे है और 8 सितंबर है आज। कल एक मूवी रिलीज़ हुई थी जवान 7 सितंबर को, उसको लेकर लोग अब घरों से बाहर निकल रहे हैं, चाहे यहाँ के लोकल्स हो या नॉन लोकल्स हो, यहाँ पे लगातार शो चल रहे हैं। अगर हम कल की बात करेंगे, कल 9 शो यहाँ पे हुए थे और आज भी हाउसफुल है, 9 शो आज भी यहाँ पे हुए हैं। फ्राइडे का दिन है और फ्राइडे के दिन पे भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ यहाँ पे रहती है। आपको बताएं, वादी कश्मीर के कोने कोने से लोग आते हैं और यहाँ पे मूवी देखने ज़रूर आते हैं। हालांकि हर एक डिस्ट्रिक्ट में, चाहे बारामूला की बात करें, शुपयां की बात करें, वहाँ पे सिनेमाज खोले गए हैं, लेकिन ये मल्टीप्लेक्स सिनेमा है, डॉल्बी एटमॉस्फेयर है अंदर, और अंदर काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत इसको बनाया गया है, और बिलखसूस जवान फिल्म जैसे ही रिलीज़ हुई है तो लोगों का आना यहाँ पे शुरू हो चुका है। कुछ लोगों से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि कितना मज़ा और कैसी एक्साइटमेंट है इसको लेकर। एक बार फिर से याद दिलाऊं, लास्ट ईयर सितंबर में इस आइनॉक्स सिनेमा को इनॉग्रेट किया गया था जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने, लेकिन अब कुछ ही दिनों के बाद एक साल मुकम्मल होगा। इस एक साल में क्या कुछ आइनॉक्स सिनेमा ने डेवलपमेंट की है, क्या कुछ यहाँ पे चेंजेस आई है, ये भी आपको दिखाने की कोशिश। मेरा नाम सर, कहाँ रहते हैं? मैं जिलमरा रहता हूँ, सोरा जिले। क्या करने आए हैं आज? ऐसे फिल्म देखने आए। कितने सालों के बाद आप देखे? 25-30 साल के बाद। 30 साल के बाद आज आप सिनेमा में आए? बिल्कुल। कितनी खुशी है? खुशी तो होता है, एंजॉय होता है, थोड़ा सा परेशान है इस वक्त कश्मीर के लोग, तो ऐसे कुछ नहीं होता, फिर भी थोड़ा सा टाइम पास होता है। तो क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे? अच्छी बात है, होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। जो पुराने सिनेमाज हैं उनको फिर से खोलने की ज़रूरत है? आप बिल्कुल है ज़रूरत, है ज़रूरत। 30 साल देखता था हर एक सिनेमा में, 30 साल के बाद यहाँ पे खुलना, अब कैसे आप देखते हैं, कैसा माहौल है अब यहाँ पे? बिल्कुल ठीक है, मेरे ख्याल से होनी चाहिए, सिनेमा खुलनी चाहिए। किसके साथ? मैं अकेला हूँ, इससे पहले भी बिल्कुल आते हैं आप? बिल्कुल मैं आता, ये मेरा अपना रोग जैसे होता है किसी का रोग बीमारी, वो सिनेमा की बीमारी है शुरू से मुझे। कौन सी मूवी देखने आए आप? ये देखेंगे कि कौन सा फिल्म अच्छा लगेगा, तो अभी डिसाइड नहीं किया, अभी 3 फिल्में हैं। कल एक मूवी आई है जवान, वो देखने आए? देखेंगे, मतलब आपको असल मूवी जो होती है ना, फिल्म होते हैं वो सारे बकवास होते हैं। अच्छा, असल में क्या होता है, असल में जो जहन होता है ना वो थोड़ा सा फ्रेश होता है, टाइम पास होता है, और अपनी कश्मीर में सिनेमा खुल रहा है, यही हमारे लिए बड़ी बात है। फिल्म मायने नहीं रखती ना, फिल्म आती है जाती है, उतर भी जाती है, मगर मेरे दोस्त ये होता है फ्रेश, हमारी खुशी है इस बात की कश्मीर में सिनेमा होगा, बस। अमन, अमन जी कहाँ से आप? मैं तो पटना से हूँ, पटना बिहार। आज जहाँ श्रीनगर तो बहुत अच्छा जगह है और ये हाउसफुल है, तो मुझे तो लास्ट टिकट मिली अभी जो अवेलेबल थी। अच्छा जी, हाउसफुल हो गई आपकी मूवी? तो कैसा माहौल खुल रहा है, लोग पसंद कर रहे हैं, लोग भी खुश हैं इस बात से। तो बाहर के जो लोग हैं, जैसे हम लोग, जैसे हमारे यहाँ तो ये सब पहले से नॉर्मल है, यहाँ अब नॉर्मल हो रहा है धीरे धीरे, तो अच्छी बात है, ये मज़ा आ रहा है। तो कितनी? तो बहुत भीड़, बहुत, पूरी पूरी हाउसफुल। तो कोई मैसेज? नहीं, कश्मीर घूमिए, सुंदर है, आइए। तो सिनेमा के बाद? अब सिनेमा तो अच्छी है ही, सिनेमा के बारे में क्या बताऊँ, सिनेमा बहुत अच्छी है, आइए सब लोग देखिए।